हेलो यूट्यूब, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बिगनर्स के लिए बना रही हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आई हैं कि हमें प्लीज़ स्टिचेस बिगनर्स के लिए स्टिचेस बनाना सिखाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये हुप लिया है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये हमने कपड़े के नीचे रखना है और ये वाला जो पार्ट है हमने इसके ऊपर रखना है और इसे हमने टाइट कर देना ऐसे। आप कपड़े को फिर ऐसे खींच के भी टाइट कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोई सी भी नीडल लेनी है, लेकिन ये देखना है कि उसकी ये वाली आई जो है वो लॉन्ग आई होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। और ये शार्प है इसकी, ये देखें, ठीक। और धागा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप DMC ही करें। आपके पास जो भी अवेलेबल है वही आप धागा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो पहला स्टिच मैं बना रही हूँ वो है स्टेम स्टिच। स्टेम स्टिच में हम क्या करते हैं, जैसे ये देखें, यहाँ पे लिया और फिर इसके यहाँ इसके हाफ से हमने यूं नीडल को निकाल ली और हमेशा कोशिश करते हैं कि इस धागे को हम अपने थंब के नीचे रखें। अब क्या करना है, अब ये वाला आपने इसके इस वाले सुराख में से आपने नीडल निकालनी। ये है, ये जो मैं बना रही हूँ ये स्ट्रेट स्टेम स्टिच है। एक और भी स्टेम स्टिच होता है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। आप इसमें स्ट्रैंड्स वाले, जो 6 स्ट्रैंड्स वाला धागा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने इतना ही साइज एक जैसा ही रखना है और पहले वाले इस होल में से आपने सुई गुजार लेनी। तो ये है स्ट्रेट स्टेम स्टिच, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो थोड़ा सा हम स्लैंटेड सा स्टेम स्टिच बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। वो हम इस तरह से लेते हैं, उसमें हम थोड़ा सा ऐसे लेते हैं, ठीक है। उसमें बिल्कुल हम स्ट्रेट नहीं लेते, हम थोड़ा सा और थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ निकालते हैं नीडल को, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि आपको थोड़ा सा उससे हैवी सा लुक देना होता है स्टेम को, तो फिर आप ऐसे करते हैं इस तरह से यूं। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा वाइड हो जाएगा वो जो स्टेम है। फिर हम इस वाली जगह से सुई नहीं निकालते, नीडल नहीं निकालते, फिर हम थोड़ा सा इसको ऐसे इसके बराबर करके निकालते हैं बाहर वाली साइड में। अगर आप इसको ज़्यादा चौड़ा करना चाह रहे हैं तो फिर ज़्यादा थोड़ा सा इसको और गैप दे दें आप। तो ये है थोड़ा सा स्लैंटेड सा और थोड़ा सा ब्रॉड टाइप का स्टेम स्टिच है। आपको अगर नहीं समझ आएगी तो आप दोबारा से इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो स्ट्रेट था, स्ट्रेट में हमने क्या किया है, और जो ब्रॉड करना है थोड़ा सा हमने उसमें हमने ये देखिए हमने उसमें साइड पे नीडल निकाल ली एक साइड पे। नीडल जो हमने निकालनी है वो इसी के लेवल पे निकालनी है ऐसे, ठीक है, लेकिन इसके बराबर निकालनी, इसमें से नहीं निकालनी।
ऐसे तो ये देखें ये कितना अच्छा थोड़ा सा वाइडर सा बन गया है। ये ठीक है, ये स्ट्रेट वाला था और ये वाला जो है हमने बनाया है ये थोड़ा सा स्लैंटेड बनाया है। अब हम बनाते अब अगला जो स्टिच मैं बना रही हूँ वो है रनिंग स्टिच। तो रनिंग स्टिच में क्या हम करते हैं यूं बस जस्ट सिंपल ऐसे छोटा बड़ा जिस साइज का आप स्टिच लेना चाह रहे हैं इसमें ले सकते हैं। आप जो फ्लावर्स होते हैं उनको अंदर से इसके साथ फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया रनिंग स्टिच, बहुत इजी है। ये हमारा है रनिंग स्टिच। अब हम बनाएंगे चेन स्टिच। तो जो चेन स्टिच है उसमें हम क्या करते हैं और फिर हम इस तरह से हम इसको चेन को बनाते जाते हैं। ये वाली जो है ये है सिंपल चेन। ठीक है, ये सिंपल चेन स्टिच है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका जो दूसरा वर्जन है वो है ट्विस्टेड चेन स्टिच। वो हम बनाएंगे ऐसे और उसमें हम इस तरह से सुई के ऊपर से धागा लपेटेंगे। ठीक है, यूं, और ये बाहर से ही लेना है और फिर हमने ऐसे ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये बहुत सारे स्टिचेस की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं लेकिन कुछ स्टिच जो हैं वो मैं आपको अब इसमें बना के दिखा देती हूँ, सेपरेट से दिखा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल के अंदर चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे वीडियोस के ऑप्शन को अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये हमारी होगी ट्विस्टेड चेन स्टिच। अब मैं बनाती हूँ बीड स्टिच। बीड स्टिच हम इस तरह से बनाते हैं, यूं ऐसे यूं फिर ये और फिर ऐसे दोबारा से। ये इस तरह से ट्रायंगल सा बन गया, फिर आपने यहाँ से धागा ऐसे निकाला इस तरह, फिर ये वाला जो धागा है ये वाला इसमें से आपने, और इसको ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं। ऐसे ही आप इसको बनाते जाएं। अगर आप सिर्फ एक एक चाह रहे हैं बनाना तो आप एक भी बना सकते हैं, सिंगल बना लें। ये तो मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि इस तरह से एक चेन की शक्ल में भी बनता है।
इसको आप साथ जोड़ जोड़ के भी बना सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं बना रही हूँ, ये बन गया हमारा बीड स्टिच। अब बना रही हूँ हेरिंग बोन स्टिच, वो यहाँ से आपने ऐसे और फिर आप दो लाइनें लगा लें, एक इधर लगा लें और एक इधर लाइन लगा लें, ताकि आपको इजी रहे वो। ये है आप जो डिस्टेंस पे रख के बनाते हैं, ठीक है। एक होता है वो बिल्कुल क्लोज क्लोज होता है, ऐसे ही आप ये यूं बना लें, ठीक है। ये था हेरिंग बोन स्टिच। अब बनाते हैं फ्लाई स्टिच। ये देखिए फ्लाई स्टिच हम बनाएंगे ऐसे, ये है सेपरेट से फ्लाई स्टिच, ठीक है। अगर आपको क्लोज क्लोज बनाना है तो आप इसको बिल्कुल साथ जोड़ जोड़ के बना सकते हैं, ये सेपरेट वाला है। अब हम बनाते हैं क्लोज फ्लाई स्टिच, तो वो आप ऐसे बिल्कुल साथ उसके जोड़ जोड़ के बना सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ लेजी डेजी स्टिच, वो सिंपल ऐसे जस्ट आपको फ्लावर सा बनाना है, उसमें कितनी भी आप पेटल्स बना लें उसकी। जो इस तरह से इसका आप पूरा फ्लावर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थे, इसमें मैंने आपको बताए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टिचेस हैं ये। तो होपफुली मैं दोबारा और भी स्टिचेस बना के इस तरह से कोई वीडियो बनाऊंगी, तो आप प्लीज़ इसे देखिएगा ज़रूर, और इसे बार बार देखें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो ये थे हमारे आज के स्टिच बिगनर्स के लिए और सबके लिए ही। तो होपफुली आप लोगों को पसंद आए होंगे। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।